इस वीडियो में हम इससे पहले हम लोग पोलराइजेशन स्टार्ट कर चुके थे, उसका बेसिक पढ़ चुके थे कि पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है, और फिर उससे पहले कि अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट कैसे किए गए थे, ये सब हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, एक ये ऐसे लिया गया, ठीक है, जब एक लाइट इस पर फॉल किया तो वो एक यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, जब लाइट इस पर फॉल किया तो वो एक तो रिफ्लेक्ट हो गया और ये हमारा नॉर्मल है, और दूसरा ये लाइट हमारा रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, जो यहाँ पर फॉल किया, ठीक है। तो ये जो लाइट यहाँ पर फॉल किया इसके साथ नॉर्मल के साथ ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो था वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या था, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा रेयर मीडियम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम। ये जो यहाँ पे जो हमारे लाइट आ रहे हैं ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब ये किस पे टकरा रहे हैं तो एक तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें बस पोलराइज लाइट जा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बस पोलराइज लाइट जा रहा है, और जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं उसमें पार्शली पोलराइज लाइट जा रहा है, ठीक है, पूरा पोलराइज लाइट नहीं जा रहा है, ठीक है, जो पार्शली पोलराइज है वो जा रहा है, ठीक है, अनपोलराइज पोलराइज दोनों इसमें जा रहा है, मतलब पार्शली पोलराइज लाइट जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें हम देख रहे हैं, और इसमें जो हमारा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसमें वो एकदम 100% पोलराइज लाइट जा रहा है जो कि जो प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर में है, ठीक है, परपेंडिकुलर, डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले हम इसमें देख रहे हैं, कुछ जान लेते हैं कि पहले पोलराइजिंग एंगल क्या होता है। जब हमारा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, ये जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों 90 डिग्री पे हों तो उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो पोलराइजिंग एंगल के इक्वल आ जाता है। जब ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो पोलराइजिंग एंगल पे आ जाता है, ठीक है। एक हमारे वो थे ब्रस्टर, ब्रस्टर एक लॉ दिए थे जिसे ब्रस्टर लॉ बोलते हैं। ये क्या बोले थे, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल रिमेन इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल मतलब कि जो टेन पी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो पहले हम इसमें ये यूज़ करके हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारा पोलराइजिंग एंगल प्लस जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है दोनों का सम होता है आर प्लस पी होता है वो 90 डिग्री होता है, पहले ये प्रूफ करना है, पहले ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो ये थे ये बोले थे कि 10 पी इक्वल टू म्यू, तो 10 पी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पी अपॉन कॉस पी इक्वल टू म्यू, और हम जानते हैं कि और हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ से यही जानते हैं कि जो हमारा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है दोनों इक्वल है, म्यू म्यू दोनों का सेम है, ऐसे लिख सकते हैं साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पोलराइजिंग एंगल पे जो हमारा आई होता है वो पी के इक्वल हो जाता है, मतलब इस आई की जगह पी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन पी अपॉन कॉस पी इक्वल टू साइन पी अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से पी पे कट गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस पी इज इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। और अगर हमको इसको ये हमारा जो कॉस पी है इसको साइन 90 माइनस पी ले सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस पी कॉस पी हो जाएगा, और यहाँ पे साइन आर तो ऐसे ही रहने दो, साइन से साइन कर दो, तो नाइन ये क्या बोले थे कि हम कॉस पी को साइन 90 माइनस पी ले सकते हैं और साइन आर को ऐसे ही रहने दो, तो फिर साइन से साइन कर दो, तो 90 माइनस पी आर इक्वल आ गया, मतलब कि
आर प्लस पी इक्वल टू 90। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये वाला जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि टेन पी इक्वल टू म्यू होता है। ये हमें इसको इस लॉ को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लॉ को प्रूफ करना है तो हम जानते हैं स्लेंस लॉ के हिसाब से कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। अब हम जानते हैं कि साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई की जगह लिख सकते हैं साइन पी, और साइन आर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन। अब हम जानते हैं कि आर प्लस पी इक्वल टू 90 होता है, तो आर की जगह 90 माइनस पी लिख सकते हैं। तो आर की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस पी इक्वल टू म्यू। तो ये साइन 90 माइनस पी की जगह कॉस पी हो जाएगा, साइन पी ऊपर है नीचे की जगह कॉस पी इक्वल टू म्यू। साइन पी अपन कॉस पी क्या होता है, 10 पी इक्वल टू म्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। थैंक यू।